अजमेर डिस्कॉम MDVS बाटी ने आज हाथीबाटा पावर हाउस में साप्ताहिक जन सुनवाई की। इस दौरान बिजलीस के साथ ही कनेक्शन संबंधी विभिन्न समस्याएं सामने आई। इस मौके पर MDVS बाटी ने बताया कि बिजलीस की समस्याओं के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है, वहीं जरूरी कनेक्शन 7 दिन के अंदर उपभोक्ताओं को मिले, इसको लेकर भी दिशा निर्देशित किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली को लेकर अजमेर डिस्कॉम द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और उन्होंने जनता से अपील की है कि वह बिजली चोरी को रोकने में मदद करते हुए राजस्व हानि को कम करने में भी मदद करें और जिन लोगों के खिलाफ राजस्व के मामले हैं उसे तुरंत जमा कराएं, जिससे कि उन पर कार्रवाई ना हो सके। वो हर मंगलवार की जगह जैसे आज भी हमने जन सुनवाई रखी है और जन सुनवाई में लोगों का अच्छा उत्साह है। पिछले बार चूंकि लोगों को ज़्यादा पता नहीं था कन्या उपभोक्ताओं को, इसलिए कम आए थे, पर इस बार काफ़ी अच्छी संख्या में उपभोक्ता आए हैं और इनकी जो ज़्यादातर समस्या है वो या तो विजिलेंस के VCR से रिलेटेड है और या फिर कनेक्शन से रिलेटेड है कि भाई हम लोगों के कनेक्शन जो नहीं हो रहे उनके बारे में है। कनेक्शन के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली, जो संभव कनेक्शन है उन कनेक्शन को 7 दिन के अंदर हम कराने का प्रयास करेंगे और VCR के केसेस को हम सेटलमेंट के अंदर लेंगे। अभी चूंकि रेवेन्यू राजस्व वसूली का ड्राइव निगम ने चला रखा है, ऐसे ही टाटा पावर को भी अपनी लॉस कम करने के लिए इन लोगों ने भी चला रखा है। दोनों के लिए ही मैं सभी उपभोक्ता जो अजमेर डिस्कॉम से रिलेटेड है उनसे निवेदन करूंगा कि वो आपके चैनल के माध्यम से कि वो अपने बिजली के बिल यथासंभव ड्यू डेट से पहले जमा कराएं, जिससे कि बिजली कनेक्शन कटने से वो बचे। और दो फायदे हैं उनके, एक तो बिजली नहीं कटेगी, दूसरा जो बिजली कटने के बाद RC के चार्जेस लगते हैं वो भी नहीं लगेंगे। तो सभी से मेरा आग्रह उपभोक्ताओं से कि आप अपना समय पर बिल जमा कराएं, जिससे कि निगम को भी फायदा हो और निगम को आगे के सालों के अंदर कोई टैरिफ बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़े।